वो डिस्कनेक्ट जूम की तरफ से हुआ था, जिसमें 40 मिनट का सेशन हमें देता है। अच्छा जी, हमने कहा कि हमारे पास एफ ऑफ एन ऑफ ए टेन स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए टेन स्क्वायर प्लस 2n, ठीक है, और -3 है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि मैं अपनी मर्जी से नहीं सिलेक्ट कर रहा कि इसका लोअर बाउंड क्या होगा, मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूँ इसका लोअर बाउंड क्या होगा, ठीक है। अब जरा समझने की कोशिश करना कि मैं अब कैलकुलेट करने जा रहा हूँ इसका लोअर बाउंड क्या होगा। तो अब जरा स्टेप्स देखना, क्योंकि मैं ये देख रहा था कि सी जी ऑफ एन अगर मैं निकालना चाहता हूँ, सी जी ऑफ एन अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो मैं बहुत सारे कह सकता हूँ कि कौन कौन से हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर 6n² हो सकता है, और कौन प्रॉबली 5n² हो सकता है, ठीक है, 5n² हो सकता है, और प्रॉबली 4n² हो सकता है, ठीक है, ये हो जाएगा 4n² हो सकता है प्रॉबली, और बहुत सारे इस तरह के और दूसरे फंक्शन जो हैं वो इसके लोअर बाउंड आएंगे। वी आर फाइंडिंग द लोअर बाउंड, ये भी ध्यान रखना कि वी आर फाइंडिंग द लोअर बाउंड। देता हूँ सवाल। अच्छा जी, क्या क्वेश्चन है? सर आई एम नॉट गेटिंग दिस टॉपिक, सीम लाइक डिफिकल्ट। नो, चलो कोई बात नहीं है, आस्ते आस्ते आदत हो जाएगी। अब आगे तो देखेंगे कितने दिन बन रहेगा, तो उसको हमें अडॉप्ट तो करना पड़ेगा। अब क्या तो आप, तो मैं ये स्लाइड शेयर कर दूँ, आप खुद ही पढ़ लें, बुक का टॉपिक बता दूँ। ये तो सिर्फ एक जस्ट वो है, आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँ कि बात क्या हो रही है। हो सकता है कि आपको पढ़ के इतना फिक्र समझ जाए, क्योंकि टॉपिक जो भी हम पढ़े हैं थोड़ा ट्रिकी, यानी लाइफ क्लास में भी इसको समझाना बहुत मुश्किल होता है स्टूडेंट को। तो कोई बात नहीं समझ में आए, और ये कोई जिंदगी में पहली दफ़ा नहीं हुआ होगा कि कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो। कई दफ़ा ऐसा होगा टॉपिक समझ में नहीं आता, आप थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगे तो, लेकिन जाहिर है अडॉप्टेशन यही होगी। और अगर मैं रिकॉर्ड करूँ तो वो और डिफिकल्ट लगे, मैं कोई चीज़ रिकॉर्ड करके आपको शेयर कर दूँ फिर आप समझें उसको। ये थोड़ा सा इंट्रैक्शन हो जाती है, स्टूडेंट सामने बैठे हुए हैं, आप पूछ भी रहे हैं, डिफिकल्टीज तो है, मुझे भी बहुत डिफिकल्टीज है। मैं जिस तरह लिख रहा हूँ मुझे पता है इतना मुश्किल मुझे हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा हम, कोई मसला नहीं है, आप क्वेश्चन कर लें, मैं उसको पढ़ के फिर एक वक्त किसी वक्त जो है उसको क्लियर करूँगा। मेरे जहन में आ जाएगा स्टूडेंट इस चीज़ में, जैसे इन्होंने पूछा हुआ सर वी आर एज्यूमिंग सी जी एन ऑफ एन 6n², तो मैं कह रहा हूँ कि हम एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन एज्यूम करने के बाद हमें एन स्क्वायर नहीं निकाल सकते। हमें कोई ऐसा मेथड अडॉप्ट करना है जो हम स्टेप बाय स्टेप करें, उससे हमारा लोअर फंक्शन भी आ जाए, सी भी आ जाए, और एन नॉट भी। डेफिनेशन ये कह रही थी, डेफिनेशन अगर आप देखें तो डेफिनेशन ने यही कहा था कि आपको ये तीनों चीज़ें मालूम करनी। अगर लोअर बाउंड की डेफिनेशन में यह लिखूँ, लेकिन मैं आपको लिख के बताता हूँ दोबारा से, ठीक है। वी आर फाइंडिंग द लोअर बाउंड ऑफ, ठीक है, ऑफ एफ ऑफ एन। ये बात समझने की कोशिश करें, एफ ऑफ एन हम लोअर बाउंड निकाल रहे हैं, एफ ऑफ एन। अब ये क्यों निकाल रहे हैं, देखो बार बार बोल रहे हैं क्यों निकाल रहे हैं, ये सारे लोअर बाउंड तो हैं, और इनमें इन सब में सी पता है हमें, इसका सी से, लेकिन एन नॉट नहीं पता होता। एन नॉट की वजह से हम बहुत मोहतात अंदाज में इसका लोअर बाउंड यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, ताकि हमें एन नॉट में जो है कि आफ्टर दिस कट ऑफ पॉइंट बेसिकली हम ये काम करेंगे। सही है, समझ में आ रही बात? तो अब हम रैंडमली, तुमने पूछा था ना सलाम ये क्या नाम था, नाम वो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, एज्यूम भी कर सकते हैं, एज्यूम थोड़ा भी एज्यूम नहीं, ये तो हकीकत है कि सारे लोअर बाउंड है इसके, लेकिन एन नॉट नहीं पता इनका। हम ये नहीं कह सकते कि इस वक्त इसका एन नॉट क्या होगा, ठीक है। तो इस वजह से आपको सोचना ये है कि अगर हम यहाँ पर एन नॉट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, यानी आप ये कहें कि ये मेरे पास, बार बार मैं डायग्राम बना रहा हूँ, बोर हो गए होंगे, कि ये एक मेरे पास फंक्शन है और एक और फंक्शन जो है वो बेसिकली कुछ इस तरह का है ये। तो अब आप आसानी बता सकते हैं कि इसमें हम इस जगह पे खड़े हैं एफ ऑफ एन, और हम ढूंढना चाहते हैं ये वाले फंक्शन सी जी ऑफ एन, समझने को चलेगा ना, हम ये फंक्शन ढूंढ रहे हैं। अच्छा, ये कोई एक नहीं होगा, कई हो सकते हैं, जैसे मैंने लिखा ना, ये 6n² भी हो सकता है, 5n² भी हो सकता है, 4n² भी हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है। आप बता दें हाँ ये भाई 6n² है मिसाल के तौर पर, लेकिन फिर आपसे कोई पूछेगा कि अच्छा ठीक है 6n² है, तो इसका ये जो कट ऑफ पॉइंट है ये बता दो क्या है। अब हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि हाँ कट ऑफ पॉइंट नहीं। तो जब भी आप लोअर बाउंड निकालेंगे तो तीन चीजें निकालेंगे, बहुत सुनो, ये लोअर बाउंड जब आप निकाल रहे होंगे तो आप तीन चीजें फाइंड करेंगे। नंबर वन, आप एक सी जी ऑफ एन निकालेंगे, ठीक है, सी जी ऑफ एन। इस सी जी ऑफ एन से आपको
जो चीज मिलेगी वो मिल जाएगी सी, ठीक है, ये सी है जो कि बेसिकली लोअर बाउंड के लिए। अब दूसरी चीज आप निकालेंगे एन नॉट, जिसको हम कहते हैं सम टाइम कट ऑफ पॉइंट, हो गया कट ऑफ पॉइंट। हम ये दो चीज निकाल सकते हैं। अब अगर आप डायरेक्टली जैसे अर्सल ने पूछा था कि भाई हम सिक्स ऑफ एन स्क्वायर कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन इसमें फिर कट ऑफ पॉइंट नहीं निकाल सकते, तो हम फिर इसका एक प्रॉपर मेथड अडॉप्ट करेंगे कि किस तरह से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो अब देखें ये जो फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, जो फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है वो फंक्शन जो है ये वाला फंक्शन, इसको मैं आगे फर्दर लेके जा रहा हूँ और अब मैं बेसिकली निकाल रहा हूँ अपना फंक्शन। हो सकता है आंसर डी में से कोई आए लेकिन मुझे एन नॉट निकालना आसान हो गया, तो मैं लिख सकता हूँ कि एफ ऑफ एन, ठीक है, जो कि इस वक्त किसके बराबर है, ए टेन स्क्वायर प्लस टू एन माइनस थ्री, ठीक है, ये फंक्शन जो है वो वैल्यू में बड़ा होगा, बराबर नहीं लिख रहा भी, बड़ा होगा, ठीक है, ये फंक्शन वैल्यू में बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, अगर मैं लिखूं ए टेन स्क्वायर माइनस थ्री। अच्छा आप बताइए ये बात सही है नहीं, कि ए टेन स्क्वायर प्लस टू एन माइनस थ्री वैल्यू में, अब देखिए मैंने इक्वल को यहाँ से क्या लिख दिया, मैंने कहा बड़ा होगा किससे, ए टेन स्क्वायर माइनस थ्री से, कैसे बड़ा होगा, क्योंकि हमने इसमें से टू एन को खत्म करके लिखा है यहाँ पर, तो हमने कहा कि यकीनन अब इसमें कोई चीज ऐड हो रही है लेफ्ट साइड पर, ऐड होने वाली चीज हमेशा ज्यादा होगी इससे, तो आप कह मैंने जैसे कहा था थ्री हटाएंगे तो थ्री माइनस हो रहा है, इसको जरा एहतियात में हटाना पड़ेगा, तो हमने कहा कि ये होगा, ठीक हो गया। फिर हम आगे बढ़े तो ये बात अगर ट्रू है और हमें समझ में आती है तो हम इसको आगे फर्दर यूं लिख सकते हैं कि हमारा फंक्शन अगर इससे बड़ा है ए टेन स्क्वायर, ठीक है, जिसको एफ एन, हमने हमारे फंक्शन को एफ एन भी कहते हैं, टू एन माइनस थ्री, ठीक है, अगर बड़ा है इससे, इसमें कोई चेंजेस नहीं करूंगा, अब सिर्फ लिखूंगा सेवन एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस थ्री, इससे भी बड़ा होगा, कुछ भी नहीं किया हमने, सिर्फ शक्ल चेंज कर दी कि हमारा फंक्शन अगर इससे बड़ा है तो हमारा फंक्शन जो है वो डेफिनेटली इससे बड़ा होगा, हमने सिर्फ एट एन स्क्वायर को 200 में तोड़ दिया है, तो वही चीज। और अगर मैं आगे फिर मजीद इसको लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि एट एन स्क्वायर प्लस टू एन, ठीक है, एन माइनस थ्री जो हमारा अपना फंक्शन है वो बड़ा होगा, अब देखिए क्या लिखा मैंने, सेवन एन स्क्वायर, ठीक, और ब्रैकेट में करके मैंने लिखा, सॉरी प्लस, और ब्रैकेट में करके लिखा है एन स्क्वायर माइनस थ्री। ये अभी मैं इसको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा कि मैंने इन दोनों ब्रैकेट में से लिखा है कि इसको मैंने एक पॉजिटिव नंबर बना दिया, इन दोनों को मिला के पॉजिटिव नंबर बना दिया, ठीक है, इन दोनों को मिला के मैंने कहा कि ये एक पॉजिटिव नंबर है। और अगले स्टेप में मैंने क्या किया, मैंने किया एट एन स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस टू एन माइनस थ्री इज ग्रेटर देन, कुछ भी नहीं कर रहा, अब मैं एक और पॉजिटिव नंबर, तो हमारे किसी पॉजिटिव नंबर को हटाते हैं ना तो नंबर बढ़ यानी प्लस नाइन लिखा हुआ है तो नाइन हटा देंगे तब भी हमारा वाला बड़ा ही रहेगा, तो हमने कहा इस सेवन एन स्क्वायर और हमने यहाँ पे इसको रिमूव कर दिया, यानी अगर देखा जाए तो इस स्टेप में हमने रिमूव किया था टू एन को और इस स्टेप में हमने रिमूव किया है किसको, एन स्क्वायर माइनस थ्री। ये हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं और ये लीगल स्टेप्स हैं, लीगल समझा, इनकी ग्रेटर के साइन में कोई चेंज नहीं आ रहा है इसकी वजह से, इसकी ग्रेटर के साइन बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसे मौजूद है, कोई चेंज भी नहीं आ रहा है इसमें, तो लीगल स्टेप करते हुए हमने यहाँ तक पहुँचा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा एफ ऑफ एन जो है, गौर से देखना, हमारा एफ ऑफ एन जो कि लेफ्ट साइड वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट एफ ऑफ एन जो है वो ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है, एक सेवन एन स्क्वायर से, और बिल्कुल सही बात है, अगर देखा जाए तो हम उसको ले सकते हैं हमारा एफ ऑफ एन जो है वो ग्रेटर है किससे, सी जी ऑफ एन से, ठीक है, इसमें सी जी, सी जो हो गया यहाँ पे हेयर, अगर मैं यहाँ पे उसको इस तरह से शुरू करूँ तो आप लिखेंगे हेयर, सी जो है आसानी में कह सकते हैं सेवन हो गया, लेकिन अभी स्टिल हमें पता नहीं है कि एन नॉट किसके बराबर है, ये अभी क्वेश्चन मार्क। तो ये एन नॉट कैसे निकाला जाता है, एन नॉट निकालने के लिए जो रिमूव किए ना ये हमें हेल्प करते हैं, तो मैं इसको थोड़ा इस तरह करके सॉल्व कर देता हूँ एन नॉट को, ताकि आपको समझ आए कि एन नॉट कैसे सॉल्व है। तो एन नॉट जो सॉल्व है बेसिकली, एन नॉट जो सॉल्व है किस तरह, आगे दो रिमूवल है, एक रिमूवल तो ये है, नाउ नाउ
एक रिमूवल तो ये है कि आपने कहा, एक रिमूवल तो ये है कि आप कहते हैं कि 2n इज ग्रेटर देन 0, राइट? तो हम लिख सकते हैं आसानी इसको आगे कि n इज ग्रेटर देन 2/0, सॉरी 0/2, ठीक है? और फिर लिख सकते हैं n इज ग्रेटर देन 0. ये जो n आया है ये पहला कट ऑफ पॉइंट है. इसके दो रिमूवल थे आ गए हैं कि जो आपने कहा है ना 7, c की वैल्यू 7 होगी, ये वाली जो मैंने बात की, c की वैल्यू 7 होगी इस बेसिस पे, तो हमारे पास इसका पहला कट ऑफ पॉइंट 0 है. लेकिन दो रिमूवल थे तो n दो दफा काम करेंगे. दूसरा क्या है, n स्क्वायर माइनस 3 को भी हमने रिमूव किया था और ग्रेटर साइन के कैटेगरी में था, तो ये आ गया. उसके बाद मैं लिख सकता हूँ n स्क्वायर, ठीक है, इज ग्रेटर देन और 3, ठीक हो गया. और उसके बाद मैं इसको सॉरी क्यूब नहीं है, स्क्वायर है. और जब मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो मैं लिख सकता हूँ उसको n इज ग्रेटर देन, अब वो मुझे पास पता नहीं, रूट लिख देता हूँ मैं, स्क्वायर रूट एस क्यू आर रूट साइन, तो मुझे पता नहीं कैसे बनाएंगे, बिल्कुल नहीं, मैं इसको बना देता हूँ ये साइन इस तरह बन जाएगा कि आपने कहा ये आ जाएगा आपका अब दो कट ऑफ पॉइंट. मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा था एक कट ऑफ पॉइंट आ गया आपके पास ग्रेटर देन 0, एक आ गया. यानी अगर हम डायग्राम से समझने की कोशिश करें इन दो कट ऑफ पॉइंट के बारे में, तो हमें ये समझ आती है कि आपके पास कुछ इस तरह की सिचुएशन है. अगर डायग्राम से देखने की कोशिश करें कि आपके पास अगर एक फंक्शन है और एक इसका लोअर बाउंड है जो कि कुछ इस तरह से होके आ रहा है, तो इसके अगर यहाँ पे तीन कट ऑफ पॉइंट, तो दो या तीन जितने भी हैं, एक कट ऑफ पॉइंट ये रहा, एक कट ऑफ पॉइंट ये रहा, एक कट ऑफ पॉइंट ये रहा, आप किसके बाद श्योर होंगे कि ये बेसिकली एसिम्प्टोटिक नियर है? इसके बाद तो नहीं हो सकती क्योंकि फिर कट होगी. एसिम्प्टोटिक का मतलब कटना हो एक दूसरे को मिलने, तो जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसके बाद, तो इन दोनों में भी आप एक जीरो है और एक थ्री, अंडर रूट थ्री है, तो थ्री डेफिनेटली बड़ा होगा. तो आप कहेंगे कि ये वाला जो हमारे पास रिजल्ट आया है इस वक्त इसको कंसिडर किया जाएगा, जीरो को नहीं कंसिडर किया जाएगा. After this, अब हम यहाँ पे इंश्योर हो गए तीन चीजों पे कि सी सेवन है और ये वैल्यू जो हमें नहीं पता थी ये अब हमें अंडर रूट थ्री जो है, सॉरी अब हम पता चल गया ये वैल्यू जो है अंडर रूट थ्री के बराबर. तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे मिटा के कि ये जो क्वेश्चन मार्क था वो होगा, डायरेक्ट जो क्वेश्चन मार्क था वो बेसिकली क्वेश्चन मार्क अब नहीं रहा, बल्कि ये कन्वर्ट हो चुका है किसके अंदर, इस वक्त दो वैल्यूज को अगर हम कंपेयर करें तो जो आगे वाली वैल्यू होती है वो कंसिडर की जाती है, उस बेसिस पे ये 3 के बराबर. हमारा सवाल कंप्लीट हुआ कि हमने जो लोअर बाउंड कैलकुलेट करके हासिल किया है वो लोअर बाउंड तो हमें मिल गया, वो है आपके पास दिस वन, ठीक है. इसमें से सी जो है वो भी हमने निकाल लिया, वो है दिस वन, और एन नॉट निकाल लिया बाद में जो है 3. तो अगर कोई कहे कि आप इसके अब अगर कोई इसको इस तरह से कैलकुलेट नहीं करता, देखो तो याद रखना मैं समझाने की कोशिश करूँ, ये तो हमारा एक पार्ट हो गया, सेव हो जाएगी या आपको मिल भी जाएगी. लेकिन अगर कोई इस तरह नहीं करता, मिसाल के तौर पर यूँ कर लेता कि चलो ये वाला रिमूवल तो 2n कर लिया, यहाँ पर आप कहते हैं कि भाई मुझे इसे ये क्यों कहा जा रहा है कि मैं 7 8n स्क्वायर को 7n स्क्वायर n स्क्वायर बनाऊँ. अगर मैं यहाँ पर इसको इसके बजाय यूँ बना लेता, मैं यहाँ पे इसके बाद वाली बात कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ इसको यूं लिख लेता कि 8n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 3 इज ग्रेटर देन, इसकी शक्ल यूं बना देता कि 5n स्क्वायर प्लस कितने बचा 3, तो 3n स्क्वायर n माइनस 3, 3n स्क्वायर n माइनस 3, तो क्या कोई गलत होता? नहीं, तो बिल्कुल गलत नहीं होता. उसके अगले स्टेप में सिर्फ क्या हो जाता, अगले स्टेप में ये हो जाता कि ये वाला 7 जो है, ये वाला 7 जो है अब ये 5 के बराबर होता, ये वाला 7 जो है 5 के बराबर होता, और यहाँ पर आपके पास 3 भी ऐड हुआ हुआ होता, ठीक है. फिर आप कहते कि मैं इस पूरे पार्ट को भी रिमूव कर दूं, तो यहाँ पे आप कहते हैं कि मैं रिमूव बेसिकली जो कर रहा हूँ वो 3n स्क्वायर को कर रहा हूँ,
और उसके बाद यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो 5 माइनस। अब आप कहते हैं मेरा लोअर बाउंड ये है, कोई भी नहीं इतराज करता, बिल्कुल सही लोअर बाउंड है आपका, ये आपका लोअर बाउंड है। और आप कहते हैं कि इस लोअर बाउंड के बेसिस पे मेरे पास जो सी है वो इस वक्त 5 है, लेकिन डेफिनेटली आपके पास जो कट ऑफ है वो चेंज होने जा रहा है। तो आप कहेंगे अब दो चीजें होगी, एक तो ये है कि मेरे पास 2n है उसका तो कट ऑफ ही आएगा, लेकिन नीचे वाला कट ऑफ में कुछ चेंजेस आ जाएंगे। वो क्या चेंजेस आएंगे? वो चेंजेस ये आएंगे कि आप कहेंगे यहाँ पर अब ये 3n² है, इज नॉट n² क्या, आपने इसको रिमूव किया और जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ राइट पे जाएगा और यहाँ पे 3 / 3 हो जाएगा, ठीक हो गया। और जब 3 / 3 करेंगे तो ये दोनों कैंसिल होकर यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, और 1 का रूट किसके बराबर होता है? 1 का रूट होता है 1 के बराबर। अब दो कट ऑफ पॉइंट आ जाएंगे, एक आ जाएगा 0, एक आ जाएगा 1। तब कहेंगे अब अगर मेरा फंक्शन 5n² है तो इसका कट ऑफ जो है वो बेसिकली 1 है, सिर्फ 1 है, ये रूट कुछ भी नहीं है, सिर्फ 1 इंस्टेड ऑफ रूट। तो जैसे जैसे आप इसके वैल्यूज और कोई भी मेथड अडॉप्ट कर लें, इसके एक और मेथड भी है नहीं मिल रहा है उसको भी अडॉप्ट कर सकते हैं। हमने फॉलो करके ये मेथड अडॉप्ट किया, अपने क्लियरली सवाल दिया बस। तो अब आपके समझ में आ रहा होगा कि अगर आप इसका फंक्शन लोअर बाउंड चेंज करेंगे तो सी तो चेंज होगा होगा, साथ में इसका जो है वो कट ऑफ भी चेंज है जो यहाँ पे आपको शो कर दिया गया, ठीक है। तो ये एक हो गया। अब अगर कोई सवाल यहाँ पे ये पूछे, अच्छा आप लोअर बाउंड निकाल रहे थे, ये रहा क्लियरली लिखा हुआ है कि वी आर फाइंडिंग द लोअर बाउंड, राइट, लोअर बाउंड निकाल रहे थे। तो लोअर बाउंड के बेसिस पे, लोअर बाउंड की वजह से आपने अपने फंक्शन को बड़ा रखा और एक नया लोअर बाउंड से छोटा ढूंढा। अगर मैं इसको बोलूँ कि अपर बाउंड ढूंढो तो फिर आपका फंक्शन जो है वो छोटा होना चाहिए जिसको जिसको आप ढूंढ रहे हैं, आप अपर बाउंड ढूंढ रहे हैं, उल्टा हो जाएगा। अगर मैं इसी सवाल को अपर बाउंड की तरफ लेके जाऊँ तो उससे पहले मैं आपको अनम्यूट करके सवाल लेता हूँ कि आप क्या कन्फ्यूजन है ताकि हम उसको क्लियर करें। अगर कोई बात पूछनी है और आवाज नहीं आ रही तो आप टेक्स्ट भी पूछ सकते हैं, लेकिन मैं अनम्यूट करता हूँ, क्वेश्चन पूछ लें। एक स्टूडेंट मैं नाम लेता हूँ, एक एक करके पूछे ताकि बात नाम ले रहा हूँ, सिर्फ वही बोले। स्टूडेंट सुनो भाई, मैंने म्यूट कर दिया सबको, मैं आपको अनम्यूट करूंगा और एक एक स्टूडेंट का नाम लूंगा। तो सिर्फ जिस स्टूडेंट का नाम लूँ सिर्फ वही सवाल पूछे इस वक्त, और उसके बाद फिर मैं अगले स्टूडेंट से सवाल पूछूंगा अगला नाम लेके। अगर आप सब साथ बोलेंगे तो आवाज़ एक तो हिट होगी और किसी की आवाज़ समझ में आएगी, ठीक है। तो मैं इसको फिर दोबारा से अनम्यूट कर रहा हूँ, एक एक स्टूडेंट से पूछूंगा, एक एक स्टूडेंट सवाल पूछे मुझसे, और अगर कोई फिर भी मसला है तो फिर आप टेक्स्ट करके पूछना मुझसे, जो ऊपर टेक्स्ट चैट बोर्ड है। चलिए अनम्यूट कर रहा हूँ, देखिए पहले नंबर पे अहमर आ रहा है। अहमर आपको कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। नहीं सर समझ में आ गया। अनीला आपको कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, बाकी लोग खामोश रहे, बाकी लोग खामोश रहे प्लीज। उसके बाद रवाल अब्बासी आपको कोई क्वेश्चन है? सर लोअर बाउंड क्लियर नहीं हुआ। क्लियर नहीं हुआ, अभी मैं स्क्रीन क्लियर कर दूंगा तो सारा क्लियर हो जाएगा। अच्छा मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा लेकिन अपर बाउंड से करूंगा ताकि आप लोअर बाउंड को इसी तरह समझने की कोशिश करें, ठीक है। अगला स्टूडेंट गैलेक्सी J7 216, आपको समझ में आ गया? गैलेक्सी J7 नाम नहीं आ रहा, गैलेक्सी J7 आ रहा है। अच्छा चले बिलाल आपके समझ में आ गया? सही है बिलाल, यू मेरी आवाज आ रही है? जी सैयद बिलाल अय्यूब आपकी बात आ रही है। सर मैं कह रहा हूं f(n) की वैल्यू जो हम चेंज कर रहे हैं जैसे 6n² 5n² किया तो आंसर जो है वो c की वैल्यू n0 की वैल्यू चेंज हो रही है तो उससे कोई मसला नहीं है सर? है ना, तो वही तो निकालनी है हमें, इसीलिए उसके लिए प्रॉपर स्टेप हमने फॉलो किए, क्योंकि हमने ये बात पढ़ ली कि हमारे फंक्शन के कई लोअर बाउंड हो सकते हैं, आप कोई भी निकाल लें, कोई पाबंदी नहीं है, कोई स्टूडेंट कोई निकाल ले, कोई स्टूडेंट कोई निकाल ले, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा अब मैं इसी में मैं आपसे फीडबैक भी लूंगा कि ये मतलब आपको जूम के थ्रू इफ ये सैयद बिलाल अय्यूब का सवाल तो मैंने ले लिया, ठीक है। आगे किसी का सवाल अगर नहीं लिया हो, अनम से बात हो गई, अनम आपको समझ में आ रहा है? आपने अपने माइक बंद किया हुआ है, आप माइक खोल के जवाब दे दीजिए। मेरा एक सवाल है, नाम बताओ।
बिलाल बिलाल अय्यूब या सिर्फ बिलाल बिलाल हाँ बोलो बिलाल n की वैल्यू हमेशा तो बड़ी होगी उसी को कंसीडर करेंगे चाहे एक जैसे 2 है और एक 8 है तो मैं कोई कंसीडर करता हां n स्क्वायर वाले को कंसीडर उसका कोफिशिएंट कंसीडर करते हैं क्योंकि आफ्टर वेरी लार्ज डेटा यही स्ट्रक्चर बनाता है बाकी सिर्फ और सिर्फ एम्पलीट्यूड को हैंडल कर रहे होते हैं और आफ्टर जी जी n नॉट की वैल्यू एक ही कंसीडर करते हैं जी n नॉट जो n में निकालो जी जी n नॉट हमेशा बड़ी वाली कंसीडर करेंगे हां देखो रीजन मैंने ऊपर डायग्राम बताया ना कि मैं एक और कैलकुलेशन कराता हूँ अपर बॉर्ड बिल्कुल ऐसे ही है अब समझना ही है कि वो कैसे हो रहा है फिर हम उस क्लास ऑफ कर देंगे मेरे ख्याल इनफ है इतना आज के लिए ये एक्सपीरियंस था अब आपको सही समझ में आ रहा है इस वजह से बात हो रही है आप इसी तरह कंटिन्यू करना चाहेंगे तो वैसे ही कंटिन्यू करेंगे जैसा आपकी मर्जी होगी ठीक है मैं ये रिकॉर्ड भी है मैं इसको अपने यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा तो आप वहां से भी इसको बाद में भी देख सकते हैं सारा रिकॉर्डिंग हो रही है इसकी ठीक तो मैं इसको म्यूट करता हूँ फिर अपर बॉन्ड की तरफ जाते हैं यही सवाल यही है अपर बॉन्ड निकाल रहे हैं अब मैं म्यूट करके अपर बॉन्ड की तरफ जाता हूँ अच्छा जी अच्छा देखिए स्टूडेंट अब हम इसी सवाल को ये सवाल यही है कि वी आर फाइंड द अपर बाउंड ऑफ गिवन फंक्शन भी चेंज नहीं करूंगा मैं अपर बाउंड निकालना चाहते हैं ठीक है वी वांट टू फाइंड द अपर बाउंड ऑफ अपर गिवन फंक्शन तो अब फंक्शन क्या था अच्छा ये नो नहीं नाउ है फंक्शन क्या था फंक्शन ये था f of n which is equal to 8n square plus 2n minus v right अगर कोई आपसे कहता है कि अपर बाउंड निकालना है तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ अपर बाउंड निकालना है अपर बाउंड का मतलब है कि आप ये निकालना चाहते हैं ठीक है अब अगर आपसे कहें अपर बाउंड निकालना तो आप इसके फॉरन डेफिनेशन पे जाए अब क्या होगा अपर बाउंड में होगा ये बेसिकली अब आप क्या ढूंढना चाहते हैं कि आपका फंक्शन जो है वो छोटा या बराबर होगा एक सी जी ऑफ एन के सही है ना ये आपने इंश्योर करना है आपको और फॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ सी एंड सम एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट ये आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए ठीक है आपका फंक्शन अब की ग्रोथ कम होगी जो मालूम कर रहे हैं उसकी ग्रोथ से वो ज्यादा होनी चाहिए अगर मैं इसको डायग्राम में बनाऊं तो डायग्राम से कुछ इस तरह से डिफाइन हो जाएगा कि ये मेरे पास आप हमारा फंक्शन है ये एक फंक्शन है और एक और फंक्शन आपके पास है सपोज करो ये जो ऊपर वाला फंक्शन होगा अब ये ऊपर वाला फंक्शन जो होगा ये सी जी ऑफ एन होगा और जो नीचे वाला फंक्शन होगा इस वक्त ये बेसिकली नीचे वाला फंक्शन जो होगा ये f(n) होगा क्योंकि अब आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा फंक्शन जिसकी ग्रोथ आपके फंक्शन से ज्यादा हो तो देखो मैंने सही लिखा है फॉर्मूले के हिसाब से तो अगर मैं इसको हासिल और वही बात है कि जब आप ढूंढो तो इसमें c भी ढूंढो तो कहेंगे कोई इशू ही नहीं है मैं बार बार अयुब आपको बता रहा हूँ सर ने निवेश करना कि इसमें कोई इशू ही नहीं है आप कहेंगे सर इसमें क्या मसला है आप यूं कर लें कि हमारा जो cg of n है उसको आप लिख लें tan n square लिख लें बिल्कुल सही है कोई इशू नहीं tan n square की ग्रोथ हमारे फंक्शन से ज्यादा होगी क्योंकि हमारे फंक्शन का n square का कोफिशिएंट 8 है इसने 10 का है तो शुरू में हो सकता है कुछ फ्लक्चुएशन हो लेकिन उसके बाद आफ्टर विद लार्ज डेटा तो ऐसा होने ही होना है ठीक है तो वो फ्लक्चुएशन वाला पार्ट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ हो सकता है कि शुरू की कुछ वैल्यूज के लिए हमारे फंक्शन की ग्रोथ ज्यादा हो लेकिन जब डेटा बढ़ता चला जाएगा तो डेफिनेटली इसकी ग्रोथ ज्यादा होगी या आपके नहीं मैं ये नहीं उसी ने कहा मैं ये नहीं लिखने जाता मैं लिखने जाता हूँ 12n स्क्वायर तो इसकी ग्रोथ भी ज्यादा होगी बिल्कुल ऐसे ही और इस तरह के जितने लेकिन इशू ये है और इनमें बासानी सी भी मालूम है हमें 10 और 12 लेकिन इशू ये है कि इस वक्त ये इन सवालात में हमें एन नॉट की वैल्यू जो है वो नहीं मालूम हम इसलिए इसको प्रॉपर स्टेप से करते हैं कि हम एन नॉट जो है वो हासिल कर लें तो अब आपने इस अपने फंक्शन को इस तरह से रिजॉल्व करना है ताकि आप जो है आसानी इसको सिंप्लीफाई कर सकें तो आपने कहा कि देखो भाई
मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन की बात हो रही है, जो फंक्शन दिया हुआ है ये वाला फंक्शन, उसको फर्दर सॉल्व कर रहा हूँ, और हो सकता है कि उसका आंसर इन्हीं में से कोई आए, लेकिन अब जो आंसर आएगा उसको मैं बआसानी ये कर सकूंगा कि एन नॉट क्या है। सी तो हम अभी भी निकाल पा रहे हैं, लेकिन जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे प्रॉपर स्टेप से तो हम कहेंगे कि हाँ अब हम बआसानी एन नॉट भी बता पा रहे हैं। देखो क्या लिख रहा हूँ मैं, एफ ऑफ एन, ठीक हो गया, विच इज इक्वल टू दिया हुआ क्या है, एट एन स्क्वायर प्लस प्लस टू एन एन माइनस थ्री, ठीक है। ये अब हमें क्या ढूंढना है, हमारा फंक्शन छोटा होना चाहिए। अब देखो मैं लेस लगा रहा हूँ, हमारा फंक्शन छोटा होना चाहिए किसी फंक्शन से, अब वो फंक्शन को मैं इसी से एक्सट्रैक्ट करूंगा, अपनी मर्जी से टेन स्क्वायर डायरेक्ट नहीं लिखूंगा बल्कि इसी से एक्सट्रैक्ट करूंगा। तो मैं अब देखो क्या लिखने जा रहा हूँ, मैं लिखूंगा अब देखो ए टेन स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे मैंने लिखा टू एन स्क्वायर, टू एन की जगह टू एन स्क्वायर लिख दिया मैंने, तो मैंने वैल्यू बड़ी कर दी तो हमारा फंक्शन छोटा हो जाएगा, और माइनस थ्री, अब ये क्या हो गया, अजीब सी बात हो गई, लेकिन ये कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ रिप्लेस कर दी, एट एन स्क्वायर तो वैसे ही लिखा, टू एन स्क्वायर को, टू एन स्क्वायर को हमने, टू एन को टू एन स्क्वायर कर दिया हमने, ठीक है। तो यकीनन स्क्वायर वाली वैल्यू बड़ी और एडिशन के साथ किया है, डेफिनेटली इस सूरत में हमारा फंक्शन छोटा हो जाएगा इस फंक्शन से, ठीक है। तो अब ये इसके बीच में एक लेस देन का साइन लगा दिया, लेकिन इस राइट साइड वैल्यू को हमें कन्वर्ट करना है सीजीएन फॉर्मेट के अंदर, यानी बाकी सारी चीजें खत्म हो जाए, सीजीएन फॉर्मेट के अंदर आ जाएगी। तो इस बात को यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए हमने अगले स्टेप में ये कहीं पानी कर दिया, जी सर। तो अगले स्टेप में हमने क्या किया कि जो हमारा एफ ऑफ एन है और विच इज इक्वल टू एट एन स्क्वायर प्लस टू एन माइनस थ्री, ठीक है, इज लेस देन, हमने कुछ भी नहीं किया, अब जो हमने लेस देन का साइन था मैथमेटिकली और प्रोपोर्शनली जो है वो ट्रू रहे, तो हमने सिर्फ क्या किया, एट एन स्क्वायर को टू एन स्क्वायर से ऐड करके लिख दिया टेन एन स्क्वायर, ठीक है, माइनस थ्री अपनी जगह पे एज इट इज, ठीक। और उसके बाद हमने कहा कि हमारा फंक्शन छोटा है इससे, इस फंक्शन से, इस वैल्यू से। फिर हमने अगले स्टेप में यहाँ पे एफ एन एफ एन एफ ऑफ एन, ठीक है, और एफ ऑफ एन, अब हमारा फंक्शन छोटा है, इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा ट्रिकी बात मैं कहने जा रहा हूँ कि प्लस टू एन माइनस थ्री जो है वो छोटा है, ऑलरेडी छोटा है टेन एन स्क्वायर माइनस थ्री, तो मैं माइनस थ्री बैठा दूंगा तो फिर भी ये छोटा ही रहेगा, ठीक है, ये वाली वैल्यू जो है वो जैसी रहेगी। उसके बाद फिर मैं कहूँगा कि हमें वो वैल्यू मिल गई जो हमें रिक्वायर्ड थी, कि अगर देखा जाए कि एफ ऑफ एन इज इक्वल टू, ठीक है, एट एट एन स्क्वायर प्लस टू एन माइनस थ्री इज लेस देन, अब अगर मैं इसको लिखूँ सी जी ऑफ एन, इस जगह पे हम कह सकते हैं कि हमारे पास सी जो है, इस जगह पे जो सी है वो हमें मिल गया, विच इज इक्वल टू टेन, जिस मेथड से हमने किया है, मतलब सी कोई और इसको 2n को 2n स्क्वायर करने या 5n स्क्वायर कर देता तो 13 बन जाता, ये तो आपको मर्जी, लेकिन कन्वर्ट हमें 10 यानी सी जी एन स्क्वायर सी जी एन के फॉर्मेट में करना है, सी 10 हो गया। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि n नॉट के बारे में आपका क्या ख्याल है कि क्या होगा, अब देखिए अच्छा हमारा रिमूवल कहाँ पे था या चेंजेस कहाँ पे आई थी, तो हमने कहा था कि हमने पहले स्टेप में ही चेंज कर दिया था, पहले स्टेप में क्या चेंज किया था, हमने कहा था कि हमने 2n को 2n स्क्वायर बनाया था, बंद भी होने जा रहा है तो हम 10 मिनट के बाद ब्रेक खत्म भी कर देंगे क्लास, 2n को हमने 2n स्क्वायर बना दिया था, और लेस का साइन मैंने क्यों लगाया है, इसलिए कि जहां से 2n हटाया था उसको तो उनके बीच में लेस का साइन था, ये हमने यहाँ पे चेंजेस की थी, 2n को 2n स्क्वायर बना दिया, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम अगर आगे बढ़े, ये जो हमने यहाँ पे चेंजेस किए हैं, हमने ये चेंजेस लेके आ गए थे अपने क्वेश्चन में, इससे हम n स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे आ जाते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, 2n इज लेस देन 2n स्क्वायर, ठीक है, दूसरे लफ्जों में इसको मैं लिख सकता हूँ सर 2n स्क्वायर, कुछ भी नहीं करूँ, 2n स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2n, ये भी बात सही है, एक ही बात है दोनों, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर दें तो क्या बन जाएगा, n स्क्वायर इज ग्रेटर देन n, आगे लिखें n स्क्वायर आगे, तो जब मैं इसमें से एक एन से एक एन कैंसिल करूंगा तो बचेगा क्या, एन इज ग्रेटर देन, क्या बचेगा वन,
तो आपके पास जो कट ऑफ बन जाएगा यहाँ पे तो एक ही कट ऑफ आएगा और आपके पास जो कट ऑफ आ जाएगा वहाँ पे वो आ जाएगा एन एज, यानी ये जो बात आप कह रहे हैं टेंस यानी सी टेन होगा आपका अपर बॉन्ड टेन एन स्क्वायर होगा तो सूरत में एन नॉट जो है वो वन होगा। एन नॉट की वैल्यू यहाँ पे बासानी आप कह सकते हैं कि इस वक्त एन नॉट की वैल्यू जो आपने कैलकुलेट की जब रिमूवल वगैरह किया था वहां से आके वन को, तो कोई सवाल पूछे कि बताओ इसका अपर बॉन्ड क्या होगा, अब कहेंगे इसका अपर बॉन्ड जो है वो बेसिकली इसका आंसर ही देंगे कि अपर बॉन्ड जो इसका आप निकालेंगे बिल्कुल जी ऑफ एन जो निकाल रहे हैं वो आपके पास आ रहा है क्या टेन एन स्क्वायर, आपके फंक्शन का बिग ओ नोटेशन यहाँ पे आ जाएगा कि वो आ जाएगा टेन एन स्क्वायर, ठीक है टेन जो आपने निकालेंगे। लेकिन इशू ये है कि अगर मैं थीटा फॉर्मेट में लेके आऊँ उसको थीटा बिग थीटा तो थीटा बिग थीटा में मैं क्या लिख रहा हूँ अंदर, अब ये बेसिकली अगर आप इसको पढ़ लेना तो हमारे पास कोई इशू नहीं रहेगा कि हमारे पास थीटा में अपर और लोअर बॉन्ड दोनों को डिफाइन करते हैं, अपर बॉन्ड भी डिफाइन करते हैं लोअर बॉन्ड भी डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो अपर बॉन्ड हमारा ये हो गया, यानी हम बासानी गौर से देखना क्या लिख रहा हूँ बिग थीटा के लिए लिख रहा हूँ कि बासानी मैं लिख सकता हूँ कि गौर से देखिए क्या लिख रहा हूँ बिग थीटा के लिए लिख रहा हूँ दोनों अगर एक साथ डिफाइन करें लिखूंगा जीरो लेस देन इक्वल टू, ठीक है लोअर बॉन्ड क्या निकाला था हमने सेवन एन स्क्वायर लेस देन इक्वल टू एफ लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एन, ठीक है एंड अपर बॉन्ड क्या निकाला है लेस देन इक्वल टू हमारे फंक्शन किससे कम है हमने जो कैलकुलेट किया वो टेन एन स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर अगर मैं फॉर्मूले के तहत ये थीटा की बात करूँ फॉर्मूले के तहत बात करूँ तो इस वक्त यहाँ पर हमारे पास सी वन वो सेवन हो जाएगा क्योंकि आप देखिएगा फॉर्मूले में लोअर बॉन्ड को हम सी वन कहते हैं और अपर बॉन्ड को हम सी टू अगर रिप्रेजेंट करें तो आ जाएगा टेन। अच्छा लेकिन इस दोनों के लिए एन नॉट कॉमन होता है, एन नॉट क्या होता है एन नॉट C1 के लिए जो n नॉट था वो अंडर रूट थ्री था, C2 के लिए जो n नॉट निकाला है वो वन है, ठीक है यानी एक n नॉट जो C1 के लिए निकाला है इसका एक का है n1 और इन दोनों में भी जो यानी एक n नॉट जो है अगर मैं यहाँ लिखूँ तो कहेंगे हाँ एक n नॉट जो है हमारा आया है एक n नॉट हमारा आया है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक n नॉट जो हमने कैलकुलेट किया था जो कि लोअर बाउंड के लिए कैलकुलेट किया था वो अंडर रूट थ्री था, ठीक हो गया रूट थ्री था और एक एन नॉट हमने कैलकुलेट किया है दूसरा अपर बाउंड के लिए था वो हमने कैलकुलेट किया विच इज इक्वल टू वन। अब हम बिग थीटा डिफाइन कर रहे हैं, अगर देखा जाए तो यहाँ बिग थीटा डिफाइन कर रहे हैं तो बिग थीटा जो है बेसिकली जो बिग थीटा डिफाइन हो रहा है वो बेसिकली एक एन नॉट यूज करेगा, डेफिनेशन में देखेंगे दो एन नॉट नहीं यूज करेगा, इन दोनों में भी अगर हम डिफाइन कर रहे हैं तो इनमें दोनों में भी जो बड़ा होगा यानी अलग अलग कैलकुलेट करने पे C1 आ गया C2 आ गया एन नॉट क्या होगा इन दोनों में जो बड़ा होगा वो फाइनल हमारा एन नॉट होगा। तो इस वक्त हमारा एन रूट थ्री जो है वो बड़ा एलिमेंट है, हम कहेंगे इस वक्त हमारे पास ये एन नॉट जो है वो बिग थीटा के लिए भी जो है वो एन रूट थ्री होगा जो लोअर बॉन्ड वाला हमने सेलेक्ट किया। उसके अलावा लोअर बॉन्ड अगर सिर्फ लोअर बॉन्ड निकालने के लिए कहा जाए तो सेवन एन स्क्वायर और एन नॉट एन रूट थ्री, अपर बॉन्ड निकालने के लिए कहा जाए 10 एन स्क्वायर और एन नॉट इज वन, और अगर बिग थीटा निकालने के लिए कहा जाए तो आपको अपर और लोअर बॉन्ड दोनों निकालना होगा जो कि आपने निकाल दिया है और उसके बाद देखना होगा कि एन नॉट क्या होगा। तो दोनों में जो एन नॉट इंफ्रादी निकाला है इंडिविजुअल निकाला है उसमें जो बड़ा एन नॉट होगा वो आपका एन नॉट निकालेगा दिस कॉल्ड बिग थीटा व्हिच इज कॉल्ड टाइट बॉन्डिंग एज वेल कि आपने उसको दोनों तरफ से बॉन्ड कर दिया, ठीक है। ये हमारा आज का लेक्चर है, हम यहाँ पे क्लोज करते हैं क्योंकि ये इंतखाब बनाने के लिए जा रहे हैं, मैं आपकी अटेंडेंस लगा लेता हूँ और उसके बाद आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि आपको इसमें क्या कंफ्यूजन है ताकि क्लोज हो भी जाए तो दोबारा लॉग इन हो जाएंगे। मैं नाम लेके पूछूंगा भाई, आप एक एक करके जवाब दीजिएगा सवाल देखिए अब तक ठीक है वेरी गुड। अब मैं नाम लेके पूछता हूँ दोबारा, आप एक एक करके बता दें, मैं इसी तरह इसी के बेसिस पे आप अपने टेक्स्ट में ना काइंडली
सारे स्टूडेंट टेक्स्ट में अपने आईडी लिख के भेजो, सारे स्टूडेंट जो स्टूडेंट आप एग्जिस्ट करते हैं चैट टेक्स्ट में अपना नाम और आईडी, अपना नाम आईडी भेज दो सब। वहां पे भी लिख देता हूं चैट पे प्लीज सेंड आईडी एंड नेम, आईडी भी जरूर भेजें। ये जो भेजें हर स्टूडेंट अपना आईडी और नाम भेजें, मैं कॉपी कर लेता हूं फटाफट। और कोई क्वेश्चन हो तो पूछो वरना अगली क्लास में चले जाएंगे नेक्स्ट क्लास में। मैं एक असाइनमेंट दूंगा इसके 3-4 क्वेश्चन दूंगा सॉल्व करने, वो आप सॉल्व करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी, वो आप गूगल क्लासरूम से डाउनलोड कर लीजिएगा जी। अपने अपने नाम और आईडी भेजो काइंडली सारे स्टूडेंट। शाबाश शाबाश मलिक अरसलान साहब, समझ में आया आपके अरसलान? वेरी गुड मलिक साहब। बैदुल्ला आपको कुछ समझ में आया? कोई बात नहीं, थोड़ा मैं भी सवाल दूंगा गूगल क्लासरूम में, आप लाजमी गूगल क्लासरूम को एक्सेस करते रहा करें, वहाँ पे सवाल आ जाएंगे वो सॉल्व करके सबमिट कराना होगा आपने, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, तो अगली क्लास में फिर हम जम करेंगे। और ये मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा क्योंकि मेरे पे लेक्चर बहुत सारे जमा हो गए और सुबह भी लेक्चर लिया है मैंने, तो थोड़ा अपलोड करने में टाइम लगता है, तो अपलोड कर दूंगा तो आप मेरे यूट्यूब पे जाके भी इसको दोबारा से इस पूरे प्रोसेस को देख सकेंगे। आपके लिए होगा क्योंकि मेरे आपके इंप्रेशन में और दूसरा नहीं देख मतलब देखेगा समझ नहीं आएगा उसको। सारे स्टूडेंट ने अपनी अटेंडेंस कर ली? नौ स्टूडेंट है। अच्छा आप अपने दूसरे स्टूडेंट को बता दें कि यहाँ लॉग इन होना होगा, लॉग इन होकर आप यहाँ पे आए ताकि आपको जो है ना ये लेक्चर जो है यहाँ पे समझ में आए। काइंडली अपने दूसरे स्टूडेंट पार्टिसिपेंट को बता दें, उनको भी हेल्प हो जाएगी। और अब ये भी लिख दें मैं सवाल पूछ रहा हूँ, अगर जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं आवाज़ नहीं आ रही तो आप यस और नो करके जवाब दे दें तीन कंडीशन के अंदर। क्या ये जूम आपके लिए हेल्पफुल रहा या नहीं तो आप यस और नो करके बता दें, जूम आपके लिए हेल्पफुल रहा या नहीं, यस और नो करके बता दें। नहीं अगर हम इस मेथड को अडॉप्ट कर रहे हैं तो ठीक है, मॉडरेट है, अच्छा है, गुड गुड गुड। असल में एडमिनिस्ट्रेशन को बताऊंगा ना कि मैंने क्या मेथड था, क्या बच्चों सेटिस्फाई थे नहीं थे। देखो जाहिर है हम भी यहाँ पे अगर नहीं लेक्चर लेंगे तो बोर ही हो रहे हैं, लेक्चर लेंगे तो अच्छा है, स्कूल से इंट्रैक्शन भी हो जाती है, आपसे सलाम दो हो जाती है, दुनिया से कट के बैठे हुए, मेरे ख्याल में तो बेहतर है, मुझे भी अच्छा लगा। हम लोग तो सर काफी अर्से से ले रहे हैं। गुड 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 ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन माई क्लास, और बड़ी आपने पेशेंस के साथ जो लेक्चर सुना इस मोड में। कोई कमेंट्स हो तो आप दे सकते हैं गूगल क्लासरूम में, बात कुछ नहीं हो, लेकिन जो बाकी 10 स्टूडेंट को आप जरूर बताएं किस तरह से कांटेक्ट करें, क्लासें हो रही हैं और गूगल क्लासरूम में मैं इस क्लास के जो स्लाइड्स है वो अपलोड करती हैं, इसकी कोशिश मैं करूंगा अपलोड, आप सॉल्व करके अपलोड कर दीजिएगा जब आप आंसर्स उसके असाइनमेंट के तौर पर, और इसकी जो वीडियो है वो आपको मिल जाएगी कहाँ पे मेरे चैनल पे उसके लिंक।